सो हे गाइस, दिस इज नाशोमा फ्रॉम techdopes.com एंड मीवी ने रिसेंटली अपने नए कॉलर को लॉन्च किया है, मीवी कॉलर क्लासिक, जो हमारे पास ये है और इनको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया हुआ है। और यहाँ पर आज हम इनका एक रिव्यू करने वाले हैं, एक फुल रिव्यू होगा, डिटेल रिव्यू होगा, बिकॉज इनको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसमें अपना एक जेन्युइन ओपिनियन देने वाला हूँ कि मुझे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, लाइक ये 1000 रुपीज़ की प्राइस पर जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं, किन यूजर्स को ये ईयरफोन खरीदने चाहिए या फिर किन को नहीं खरीदने चाहिए, अगर उनको नहीं खरीदना है तो वो किस ईयरफोन पर जा सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एंड गाइस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशंस एवरी डे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ईयरफोन के बिल्ड की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो 1000 रुपीज़ की प्राइस पर मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट लगी। बट अगर हम कंपेयर करते हैं इसको मीवी कॉलर 1 एंड कॉलर 2 से, तो उसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी चीप है। इसमें आपको चीप क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज़ मिलता है। यहाँ पर अगर हम स्पीकर्स की बात कर लें या फिर इसकी बॉडी डिज़ाइन की बात कर लें, तो उनमें यहाँ पर चीप क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, सो जो मुझे इतना पसंद नहीं आया है। बाकी यहाँ पर अगर हम ईयरफोन की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं। और यहाँ पर अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको सारे मीवी के फीचर्स देखने को मिलते हैं। जो ब्लूटूथ है वो 5.0 के साथ में आता है और यहाँ पर आपको डुअल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, जो कि मीवी के काफ़ी सारे कॉलर ईयरफोन में मिलता है, जिसमें आप अपने फ़ोन या लैपटॉप या फिर दो फ़ोन को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप जिसमें अपना म्यूज़िक प्ले करेंगे तो वही डिवाइस का म्यूज़िक आपके ईयरफोन में प्ले होगा, तो आपको बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप स्विच होता रहता है। तो हाँ, ऐसे सारे फीचर आपको मिल जाते हैं जो भी आपको कॉलर 1 एंड कॉलर 2 में मिलते हैं। बट अगर कंपैरिजन की बात करते हैं कॉलर 1 एंड कॉलर 2 में और उसके बाद कॉलर क्लासिक में, तो जो मीवी का कॉलर 1 था वो एक बेस्ट बूस्टेड डिवाइस था। उसमें आपको काफ़ी तगड़ा बेस देखने को मिलता था। बाकी अगर बात करते हैं नॉइस कैंसिलेशन की, तो उसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता था। वहीं अगर बात करते हैं मीवी कॉलर 2 की, तो उसमें बेस मिलता था बट इतना तगड़ा बेस नहीं मिलता था। हाँ, थोड़ा सा लोअर बेस था और नॉइस कैंसिलेशन वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था और जो बिल्ड थी वो भी वहाँ पर प्लास्टिक कर दी गई। बट अगर इन ईयरफोन की बात करते हैं तो इसमें आपको बिल्ड तो चीप क्वालिटी की मिलती है, बट अगर बात करते हैं साउंड क्वालिटी का, उसमें आपको बेसिक बेस मिलता है और ट्रेबल ऑलमोस्ट सही है। बट अगर कंपैरिजन की मैं बात करूँ तो आपको जो मार्केट में 600-700 रुपये के लोकल ईयरफोन मिलते हैं, तो सेम उसी टाइप की आपको कुछ क्वालिटी मिलती है, उससे थोड़ी सी ओवर हो सकती है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे कॉलर 1 एंड कॉलर 2 से, तो उसके जैसी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप क्वालिटी आपको मिलती है इसमें। बाकी अगर बात करते हैं माइक से, तो हाँ, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें आपको MEMS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो आपकी आवाज़ है वो नॉइस कैंसिल के साथ जाती है और जो सामने वाला बंदा आपकी कॉल सुन रहा है तो उसको एक काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वॉइस आपको सुनाई देती है। बाकी अगर इनकी बात करते हैं तो हाँ, इनमें एक और काम भी अच्छा है। इसमें आपको जो बैटरी मिलती है, फिलहाल कंपनी ने क्लेम नहीं किया कि इसमें आपको कितनी बैटरी मिलती है, बट कंपनी ये क्लेम कर रही है कि इसमें आपको 24 आवर तक का प्लेबैक टाइम मिलेगा इसके फुल चार्जिंग पर। और यहाँ पर ये आपको 10 मिनट चार्ज करने पर 10 घंटे तक चल जाते हैं और ये डिपेंड करता है आपके चार्जर के ऊपर कि आपका चार्जर कितना फास्ट चार्ज करता है। तो यहाँ पर ये थे इसके स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन और कुछ कुछ डिटेल मैंने आपको इसके ईयरफोन के स्पीकर क्वालिटी एंड माइक क्वालिटी के बारे में दी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंपैरिजन की कि जो मीवी कॉलर 1 है एंड कॉलर 2 है और जो मीवी कॉलर क्लासिक है, इनमें से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। बिकॉज अगर हम बात करते हैं तीनों ईयरफोन की, तो तीनों ईयरफोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आते हैं। मीवी कॉलर 1 आता है 999 रुपीज़ की प्राइस पर, जो कि आपको अमेजोन पर अभी भी मिल रहा है। जब ये स्टार्टिंग में आया तो 3000 रुपये का ईयरफोन था और इसको मैंने बहुत यूज़ किया और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई है। बिकॉज इसमें आपको मेटल फ्रेम मिलता है, नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और स्पीकर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। माइक क्वालिटी आपको एवरेज मिलती है, बट हाँ, आपको इसमें चार्जिंग में इशू मिलेगा बिकॉज ये माइक्रो USB के साथ में आता है और जो चार्जिंग है वो स्लो है। बट एक फीचर उसमें और अच्छा मिलता है, वो है वाइब्रेशन मोटर। उसमें अगर आप कॉल आती है, मैसेज आता है, तो ये वाइब्रेट होता है और ये फीचर आपको किसी भी मीवी के कॉलर में देखने को नहीं मिलता है। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मीवी कॉलर 1, कॉलर 2 एंड कॉलर क्लासिक में आपको कौन सा लेना चाहिए। सो अगर आप साउंड्स के सबसे ज़्यादा शौकीन हैं, आपको बेस पसंद है, आपको साउंड ज़्यादा पसंद है, आपको कॉलिंग वगैरह पे इतना फोकस नहीं है, बैटरी पे इतना फोकस नहीं है, तो आप मीवी कॉलर 1 की तरफ जाइए। काफ़ी अच्छा कॉल टून मिलेगा 1000 रुपये की प्राइस पर। अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए है, कॉलिंग अच्छी चाहिए है, साउंड क्वालिटी आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तब आप मीवी कॉलर 2 की तरफ जा सकते हैं। तो उस वाले ईयरफोन में आपको एक नॉर्मल बेस
और नॉर्मल 12 के साथ एक अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा माइक आउटपुट भी मिल जाता है, साथ ही साथ एक जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यानी कि इसमें जो भी आपको चीज़ें रहेंगी वो सारी एवरेज मिलेंगी, बट अगर आप थोड़ा सा बेस में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो हाँ आप मूवी कॉलर 2 की तरफ जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मूवी कॉलर क्लासिक क्यों हम, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर ये है, ये डिज़ाइन किया गया है उनके लिए जो रेगुलर कॉलिंग करते हैं और रेगुलर बात करते रहते हैं, तो जिनकी कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है और उन्हें साउंड से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये ईयरफोन उनके लिए, बिकॉज़ यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और आप ट्रेवल वगैरह करते हैं और अगर आपको ढेरों कॉल अटेंड करनी होती हैं तो ये ईयरफोन आपके लिए हैं, क्योंकि ये 24 आवर के प्लेबैक टाइम के साथ में आता है, तो ऑलमोस्ट 2 दिन आपके बहुत आराम से चल जाएंगे ईयरफोन सिंगल चार्ज पर। तो यहाँ पर मैंने तीनों कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है, आई होप आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा। बाकी बस ये थी एक मेरी फुल रिव्यू वीडियो, मेरा क्लियर ओपिनियन इन्हीं ईयरफोन्स के बारे में, इन्हीं ईयरफोन सीरीज़ के बारे में। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रह गए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले अमेजिंग कॉन्टेंट है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। बाकी बस मिलते हैं आप सभी से नए एक्साइटिंग वीडियो में।